के लिए है। इकबाल ने नौजवानों को पैगाम दिया अपनी शायरी के जरिए से, और उसकी बहुत सारी नज़में ऐसी हैं जो इकबाल की नौजवानों के लिए हैं। मसलन जवेद नामा जो है वो जवेद के नाम के लिए है, वो सारी आपकी नाम के लिए है, जवेद उसका बेटा है। फिर लंदन से भी लिखा उसने जवेद का पहला खत आने पर जो उसने लिखी, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना सुबह शाम पैदा कर, नौजवानों को पैगाम दिया। वो कहता कि ये उठा ना शीशा गिराने फरंग के ऐसा सवाल हिंद से मीना जाम पैदा, सुकूत लागा उर्दू से कलाम पैदा। इकबाल की एक और नजम है जिसमें उसने नौजवानों से भी खास करके कहा है कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर किया तो, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तो, वो क्या गर्द सदू जिसका है जिसका तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुछ डाला था जिसने पाँव में ताले करे डाला, तुझे आवाज़ अपनी कोई नस्बत हो नहीं सकती, वो किरदार तू साबत तैयार। फिर फकीरी में भी वो अल्लाह हवाले से गई उसने के मन को विदा के डर से बख्शिश का न था यार, मगर वो इल्म के मोती जो देखे उनको यूरोप में, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में, तो दिल होता है सही पाल। तो ये इकबाल नौजवानों को पैगाम देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि तुम किस कौम से तबीयत करते हो, तुम्हारा माजी क्या है, तुम्हारे अबाव अजदाद कौन है। फिर इकबाल कहता है कि लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनाव तेरे सूखे हैं अपन तेरे तालीम। इकबाल कहता है नौजवान कि जब मैं देखता हूँ आप साहस पसंद हो गए हैं, शहर पसंद हो गए, सुस्ती आपने आ गई है, तो मुझे अफसोस होता है कि आप ईरानी कलीनों पर और अफगानी तेरे सोचे अफगानी तेरे तालीम लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनाव। फिर कभी कहते जवानों को मेरी आहिस्ता कर दे, जवानों को फिर इंसान